मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सक्सेस टॉक विद चौहान सर के एपिसोड में एक और बच्चा आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं और आज हम बात करेंगे आशीष कुशवाहा से। आज हम बात करेंगे एनडीए 151 फाइनल रेकमेंडेड कैंडिडेट से कि किस तरीके से उसकी जो जर्नी थी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी तक उसे पहुंचाई है, हम उस चीज को लेकर के आज हम पूरी बात करेंगे और हम बात करेंगे उसके प्रॉपर तरीके से कहाँ का रहने वाला बच्चा है, किस तरीके से उसने अपनी पढ़ाई को जो है अंजाम दिया है और वो जाकर के सेलेक्ट हुआ है। तो पहली बात कांग्रेचुलेशंस आशीष फॉर फाइनल रिकमेंडेशन इन एनडीए 151। थैंक यू वेरी मच सर। आशीष बच्चों को ये बताएं कि बेसिकली आप है कहाँ से, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, ठीक है, ये दो चीजें पहले आप बच्चों को बताएं। बेसिकली मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हेल करता हूँ और अभी प्रेजेंटली लखनऊ में रह रहा हूँ और मेरी स्कूलिंग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर से हुई है। अच्छा, यू आर फ्रॉम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। अच्छा, किस क्लास से आपने आरएमएस ज्वाइन किया था? आरएमएस मैंने 6th क्लास में ज्वाइन किया था। 6th क्लास में जॉइनिंग होती है और 9th क्लास में जॉइनिंग होती है। अच्छा, तो मैंने 6th क्लास में ज्वाइन किया। 6th क्लास से आपने 12th तक का पूरा लगभग सफर आपने वहां तय किया। लगभग 10th तक तो आपने कंटिन्यूटी में वहां पर क्लासेस करी। 11th 12th आपका कोविड के दौरान पूरी तरीके से जो है वो मतलब मान चलिए कि ना के बराबर था आपका सेशन वहां पर। एनडीए की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रिटन एग्जाम की जिसके लिए कोई बच्चा हमारे पास आता है, ठीक है, या यूं कहे कि कोई बच्चा हमारे पास नहीं आता, वो अपनी भी डिफेंस की तैयारी को एनडीए की तैयारी को स्टार्ट करता है। तो एनडीए की तैयारी करने के लिए रिटर्न अभी 3 सितंबर को लगा हुआ है बच्चों का, तो उसके लिए कुछ खास टिप्स या आपने किस तरीके से जो है अपने रिटर्न के पोर्शन को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया था? एनडीए रिटर्न काफी मुश्किल तो नहीं बोल सकते, काफी वास्ट सिलेबस है उसका, तो हमको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हमको पहले से अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बहुत प्रिसाइज रखनी पड़ेगी कि हमारा मैथ्स में क्या स्कोर जा रहा है, गैट में क्या स्कोर जा रहा है, तो उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमको अपनी पढ़ाई करनी है। और अभी जैसे लास्ट टाइम चल रहा है, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं 20 दिन बाद, तो इस टाइम तो मॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, विदाउट मॉक यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो आपको मॉक पे अभी पूरा फोकस करना है लास्ट टाइम पे और मॉक विद टाइम के साथ। अच्छा, मॉक जैसा कि आशीष ने बताया, मॉक इंटरव्यू जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है किसी बच्चे के फाइनल सिलेक्शन में, और ये बहुत हद तक एकदम एक्यूरेट बात है, एकदम परफेक्ट सही बात है ये कि मॉक टेस्ट जो होता है वो बेसिकली जो है आपको आपका जो है स्टैंडर्ड शो करता है कि आप कहाँ पर हैं, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो प्रॉपर तरीके से विद इन अ टाइम पीरियड आप मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं अपना, देते हैं, अपेयर करते हैं अपने आप को, तो फिर आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। शुद्ध देसी भाषा में अगर हम बात करें, फौज की लैंग्वेज में बात करें, तो बेसिकली आपको आपके औकात पता चलती है कि आप इस कंपटीशन की लाइन में आप कहां पर हैं, ठीक, कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और किस तरीके से आपको तैयारी आगे करनी चाहिए। एनडीए में रिटर्न में बेटा सबसे बड़ा एक हवा जो मन के आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे आईसीएसई का हो, चाहे हमारे यूपी बोर्ड का या कहीं अदर स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, सबसे बड़ा जो एक हवा निकल के रखा आता है वो मैथमेटिक्स का आता है। मैथ्स का एक जो है बहुत बड़ा जो है लोगों को लगता है मैथ्स नहीं आ रही है, उसके लिए क्या है स्ट्रेटजी? मैथ्स के लिए पहले तो आपको उसका डिफिकल्टी लेवल समझना पड़ेगा, जो एनडीए का मैथ्स होती है उसकी डिफिकल्टी लेवल बोर्ड से स्लाइटली अबव होती है और जेई मेंस के लिए काफी लो होती है, तो जेई मेंस जितना टफ नहीं आता मैथ्स, बट उसके लिए मैथ्स के लिए हमको प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है एनडीए में, क्योंकि एनडीए में क्वेश्चंस तो इजी टू मॉडरेट आते हैं बट टाइम इज वेरी लेस, सो आपको मैथ्स बहुत प्रैक्टिस करनी है। और जैसे इधर एकेडमी में सर भी काफी मैथ्स की प्रैक्टिस कराते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर एनडीए मैथ्स इज आरएस अग्रवाल, अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी स्पीड बन जाएगी और उसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप एनडीए एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। आरएस अग्रवाल, ठीक है, मैथ्स के लिए मेरा भी यही मानना है कि आरएस अग्रवाल जो मैथमेटिक्स की बुक है एनडीए वालों के लिए वो एक रामबाण है, पैनिसिया है एक तरीके से। अगर आपको लगता है कि मैथ्स नहीं आ रही है तो आप गो फॉर आरएस अग्रवाल और विद द सॉल्यूशन बुक है वो, और प्रॉपर तरीके से पढ़िए उसको। अगर हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो आपको तो पढ़ाई जाएगी, आप वैसे भी जो है आरएस अग्रवाल को जो है आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं तो। अब अगला जो पोर्शन जेईटी का होता है, ठीक है, चूंकि बच्चा साइंस स्ट्रीम का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला बच्चा होता है, आर्ट्स चाहे सब्जेक्ट्स आते हैं, या यूं कहें जब बायो वाले बच्चे को फिजिक्स पढ़नी पड़ती है या इंग्लिश तो चलिए कॉमन सब्जेक्ट है, तो जीएटी को कैसे काउंटर किया आपने? जीएटी के लिए सबसे पहले तो आपको अपने 4 से 5 सब्जेक्ट आपको अपने चॉइस करके पिकआउट करने पड़ेंगे, उसमें से इंग्लिश एक कंपलसरी है, इंग्लिश तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली एक फिजिक्स और ज्योग्राफी,
ये दो चीज भी काफी वेटेज रखती है, तो ये तीन सब्जेक्ट तो पक्का ही है कि आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा आप अपने दो से तीन सब्जेक्ट और पिक कर लीजिए, जैसे कि पॉलिटी हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सिर्फ पहले उन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। और जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, जो रेलेवेंट टॉपिक है, जो उसके इंपॉर्टेंट वेटेज टॉपिक है, जब वो सब पढ़ लें तो फिर किसी और सिलेबस पे जाएं। और जीएटी में काफी प्रिसाइज और स्पेसिफिक रहना है, क्योंकि जीएटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जीएटी के सब्जेक्ट के लिए। तो उसके लिए आपको श्योरली पाथफाइंडर काफी हेल्प करेगा। और इसमें एक टीचर जब पढ़ाते हैं तो टीचर के पास काफी एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करता है। यस सर। अच्छा, तो जैसा कि आशीष का कहना है कि आपको जो जीएटी वाला पोर्शन है उसमें इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें फिजिक्स से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं, बायो से आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, करंट अफेयर्स से आते हैं। लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आशीष कहना है, एटलीस्ट 3 to 4 सब्जेक्ट जो आपके बेस्ट हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो प्रॉपर तरीके से, पिक करें आप, और पिक करने के बाद उसकी प्रॉपर तैयारी करें। जब आप वहां पर परफेक्ट हो जाएं तो ही आप किसी अदर सब्जेक्ट के जीएटी की तरफ आप जाएं। और मेरे ख्याल से अगर 4 से 5 सब्जेक्ट भी कोई बच्चा पिक कर लेता है, एक आपका इंग्लिश मैंडेटरी है, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, एंड फोर्थ वन इज ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, अगर 4 से 5 सब्जेक्ट भी अगर आप कवर करते हैं तो जीएटी का पेपर इजीली आप क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। अभी आपने जो एग्जाम दिया था, ठीक है, उसमें आपके हिसाब से क्या कट ऑफ, आपकी कितने लगभग कितने क्वेश्चन आपने मैथ्स में सही किए थे, आपने कितने क्वेश्चन जीएटी में सही किए थे? जो रिसेंटली जो मेरा एनडीए 151 का एग्जामिनेशन था, उसमें अप्रॉक्स मैंने 70 क्वेश्चंस मैथ्स में अटेम्प्ट किए थे। आउट ऑफ 70-60 क्वेश्चंस मेरे राइट थे अराउंड, और 10 क्वेश्चंस रॉन्ग थे। और जीएटी में अराउंड मैंने 105 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, आउट ऑफ व्हिच 80-85 क्वेश्चंस वर राइट एंड रेस्ट वर रॉन्ग। ओके, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से आशीष बता रहा है कि एनडीए क्लियर करने के लिए उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपको भी लगभग उसी के आसपास रहना है। अच्छा, इतने क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लिए कि लगभग 400 के आसपास आपके मार्क्स बन जाए, ताकि आप मेरिट आउट होने से बचें अगर आप फाइनल रिकमेंड होते हैं तो। बेटा, तो इस चीज को रिटर्न की तैयारी करते हुए बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये रिटर्न के मार्क्स ही है जो आपको ऑल इंडिया रैंक्स की तरफ भी लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो कहना नहीं होता, ये करके दिखाना होता है, वो आप रिटर्न से ही कर सकते हो। एसएसबी में कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप अपने से नहीं रख सकते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा नंबर पे मिलने वाले हैं, वहां पर मिलते हैं नो डाउट, बट उनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू रिटन। तो रिटन एक अच्छा ऑप्शन होता है आप सभी के सामने। बेटा, रिटन आपका क्लियर हुआ, एसएसबी कहां हुई थी आपकी, कौन सा बोर्ड था एसएसबी का? इस बार मेरा इलाहाबाद में था, 14 एसएसबी बोर्ड। अच्छा, 14 एसएसबी इलाहाबाद से आप रिकमेंड हुए। अच्छा, ठीक है, आगे प्रोसीड। और एसएसबी तो मैं पिछले, पहले मैं 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट भी हो चुका हूं, तो पहली मेरी एसएसबी थी। अच्छा, 2 बार आप कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं बेटा। यस, एनडीए 140 नहीं, एनडीए 150, एनडीए 148, एनडीए 150। अच्छा, 150, दो जगह आप कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं। और ये जो तीसरा अटेम्प्ट था, इस बार ये लास्ट अटेम्प्ट था आपका एनडीए के लिए, कोई डर था? डर तो जो था सर, वो टैली निकल चुका था इस बार, तो कोई डर नहीं था सर। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ और कर लेंगे, कुछ ना कुछ और कर लेंगे। इस बार मेन बेनिफिट यही था मेरे साथ, इस बार मेरे को कोई डर नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था इस बार मेरे ऊपर। नहीं, ये फैक्ट है बेटा, जब आप परफॉर्मेंस देने जाते हो अगर प्रेशर में रहते हो तो जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। जब आप प्रेशर नहीं लेते हो, प्रेशर नहीं फील करते हो, तो परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो जाती है, ये एक फैक्ट है। और ये हर जगह पर ये चीज आप जो है इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको आपको इसका फायदा ही मिलेगा। इलाहाबाद में आपने कितने तारीख को रिपोर्ट किया? डे 1 में जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट था तो उसमें कितने लोग स्क्रीनिंग हुए और क्या पिक्चर दिखाई गई थी वहाँ पर? पीपीडीटी वो भी बहुत बड़ा जो है एक लोगों के दिमाग में रहता है कि पहले दिन हम बाहर हो जाते हैं वहाँ पर जाकर के, तो क्या था पहले दिन में पीपीडी, अगर डे 1 की अगर हम स्पेसिफिक बात करें आपसे? यस सर, सो डे 1 वी रिपोर्टिंग थी 4 जुलाई 2023 को, और जाते ही उधर सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको ओआईए टेस्ट दिलाया जाता है, उसमें रीजनिंग और नॉन रीजनिंग टेस्ट होते हैं, तो वो आप उसी समय कर देते हैं। लगभग आपको 20-25 मिनट्स दिए जाते हैं, उसमें आपको खत्म करना है। उसके बाद आपको पिक्चर दिखाई जाती है, तो हमें हमारी पिक्चर में था कि एक फील्ड था और एक रोड था, रोड पे 2 लोग वॉक कर रहे थे, एक मेल एक फीमेल, और फील्ड में कुछ 6 से 7 लोग थे, अराउंड 18 ईयर्स के थे सबके सब। तो ये हमारी पिक्चर थी, और जब डिस्कशन हुआ तो उसमें पहले नरेशन होता है, और पीपीडीटी में नरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आप नरेशन को अपना इम्प्रूव कीजिए। अगर आपकी नरेशन में प्रॉब्लम है तो चांसेस आर वेरी लेस, तो आप अपने नरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में टाइम मिले ना मिले वो कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन नरेशन आपको पूरा टाइम मिलेगा इसकी पक्का गारंटी है।
उसके बाद जब हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, अधिकतर जनरली हमारे ग्रुप में सबके सब एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ जा रहे थे, एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे थे। उधर एक फील्ड बना हुआ था बट इट वॉज लुकिंग लाइक अ प्ले ग्राउंड फील्ड। सो मैंने तो प्ले ग्राउंड फील्ड ही इसको अज्यूम किया था, और मेरे साथ दो तीन बच्चों ने और प्ले ग्राउंड फील्ड ही अज्यूम किया था, लेकिन ग्रुप एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा तो हम भी एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए। और मेरी स्टोरी थी कि दे आर ब्रदर सिस्टर जो रोड पे जा रहे हैं, और जो ब्रदर है वो एक डिबेटर है, तो वो अपनी सिस्टर को डिबेट प्रैक्टिस कराने के लिए पार्क में ले जाता है। उधर बाकी जो ग्रुप है, बाकी जो 6-7 बच्चों का ग्रुप है, उनके उनको एज अ ऑडियंस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि एज अ ऑडियंस वो हेल्प करें। और ये मेरी स्टोरी थी। बाकी कई सबकी स्टोरी काफ़ी अलग अलग थी, लेकिन जनरली काफ़ी लोग एग्रीकल्चर को लाए थे अपने स्टोरी में, तो एग्रीकल्चर ग्रुप डिस्कशन एग्रीकल्चर की तरफ चल रहा था। लेकिन जब फाइनली जब स्क्रीन का रिजल्ट सुनाया तो हमारी टोटल रिपोर्टिंग थी 76 रिपोर्टिंग, आउट ऑफ 36 ओवर स्क्रीन एंड आई वाज द लास्ट वन। तो हार्ट बीट तो काफी हाई हो गई थी उस समय जब लास्ट में चेस्ट नंबर लिया गया। लेकिन जब हम सेलेक्ट हो गए तो हम लोग नोटिस किए कि जो जिसकी नरेशन अच्छी थी और जिसकी स्टोरी पिक्चर के बेसिस पे थी, फालतू में एग्रीकल्चर भी नहीं घुसाना था क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर दिख नहीं रहा था। तो जो हमारे ग्रुप से 4 स्क्रीनिंग हुए थे, हम 4 में से 3 की पिक्चर थी फील्ड के ऊपर एज अ प्ले ग्राउंड, और एक था कि एग्रीकल्चर वाला, एक बंदे की पिक्चर थी एग्रीकल्चर पे। अच्छा, आपके यहाँ जब ग्रुप डिस्कशन हुआ पीपीडीटी के दौरान, तो क्या कोई कॉमन ग्रुप स्टोरी निकली थी? नो सर, कॉमन ग्रुप स्टोरी तो निकलने का कोई चांस ही नहीं बन रहा था, सबके सब आपस में लगे हुए थे। बस ये था कि सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे स्टोरी में। अच्छा। लेकिन पूरा फिश मार्केट टाइप बन गया तो कॉमन स्टोरी तो नहीं बन पाई थी सर, स्टोरी नहीं निकल पाई थी। अच्छा ठीक है, एक चीज तो क्लियर होता है यहाँ से, आपके सभी आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, तो परसेप्शन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। जो हम पिक्चर दिखाई जा रही है आप उसको एज इट इज अगर आप जो है परसेप्ट कर पाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पर आपके स्क्रीनिंग होने के। बेटा ठीक है, स्क्रीनिंग हो गया, डे 2 आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, टैट वैट एसआरटी और जीटी। टैट कितने? 12 सब किए थे। जो ब्लैंक स्टोरी थी उसमें क्या लिखा था? ब्लैंक स्टोरी में जैसे मेरी हॉबी और मेरे स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग है, तो मैं ब्लैंक स्टोरी पे एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया और मैं खुद भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा ठीक है, तो कितने वैट किए थे आपने? वैट मैंने सारे किए 60 वैट किए थे। अच्छा ठीक है, एसआरटीज? सबसे पहली क्वालिटी इम्प्रूव थी, कम्युनिकेशन स्किल्स मैं अपने इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और कुछ हैबिट्स जो मैं अपने रूटीन में ऐड करना चाहता हूँ वो थी नोवल रीडिंग, और अपने आप को मेंटली फिजिकली मोर स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है मैं उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को भी एडवांस करना चाहता हूँ। ये कुछ चीजें थी, ये चीज आपने मेंशन करी थी। जीटीओ कैसा हुआ? जीटीओ को लेकर बहुत ज्यादा हुआ चलता है, बहुत एक फियर है बच्चों के मन में कि मेरा जीटीओ खराब हो गया, मेरा जीटीओ खराब हो गया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जीटीओ के बारे में बताएं कि कैसा हुआ जीटीओ आपका? जीटीओ मेरे को मेरे जीटीओ काफी अच्छा लगा, क्योंकि जीटीओ एक ऐसा है कि उसको फील किया जाता है जीटीओ को। जीटीओ कोई टेस्ट जैसे साइकोलॉजी टेस्ट है उसमें आपको लिखना है, पेन पेपर काम है, जीटीओ में ऐसा कुछ नहीं है। जीटीओ पूरा एक आपका प्लेग्राउंड की तरह है, वो एक स्पोर्ट्स की तरह है, स्पोर्ट्स की राइट। उसमें एक टीम आपको मिलेगी, आपको उस टीम के साथ काम करना है। और जीटीओ में ये है कि उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, टोटल 9 टास्क होते हैं जीटीओ में। तो अगर आपका एक टास्क या दो टास्क अच्छा नहीं भी जा रहा तो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको और भी आगे बहुत सारे चांसेस हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। राइट, जीटीओ में कई सारे टास्क, 9 टास्क में कोई भी अगर एक दो खराब हो जाए तो उसके लिए वरीड नहीं होना है, वहां पर नेक्स्ट टास्क पे आपको फोकस करना है और उसको बेहतर करना है, यही सही तरीका भी है वहां पर। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कितने किए थे? 14 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल किए थे। 14 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, अच्छा ठीक है। अच्छा, स्नेक रेस के बारे में बताइए, कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा स्नेक रेस का वहां पर? स्नेक रेस पूरे एसएसडी में सबसे ज्यादा जोश वाली चीज थी, बहुत जोश वाली चीज होती है, बहुत मजा आता है जब आप स्नेक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं सिलेक्शन सेंटर में। मैं इसीलिए पूछता हूँ स्नेक रेस के बारे में, कैसा था स्नेक रेस आपका? स्नेक रेस जैसे मैं अपने ग्रुप में, हम ग्रुप में 3 लोग थे जो एकदम फिट थे, जो सब कुछ इंडिविजुअली कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप रेस है तो आपको इंडिविजुअली कुछ करना नहीं है। बस ये था कि हम फिट हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सबकी सबको ऑब्स्टिकल पार कराने हैं हम ही को,
तो एज ए टीम हमको काम करना था, तो चार टीम चार ग्रुप्स होते हैं, तो हमारा ग्रुप था सेकंड नंबर वाला। अच्छा। तो हमारा ग्रुप ऑब्स्टिकल स्टार्ट हुआ, हमने पहले एक दिन पहले बैठ के डिस्कस कर लिया था कि जो थोड़ा हैवी वेट है उसको हम पहले वॉल पार करा देंगे, उसमें एक वॉल आती है 10 फीट की वॉल, तो सबसे डिफिकल्ट वो वॉल पार करनी होती है, तो उसी में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने वो पहले सब डिस्कस कर लिया था सब कुछ। और हमारा जो एक वॉरक्राई बोलते हैं कि वॉरक्राई डिसाइड करना है, क्या वॉरक्राई डिसाइड किया था अपने वहां पर? तो हमने वॉरक्राई डिसाइड किया था जय श्री राम। जय श्री राम, अच्छा ओके। तो वॉरक्राई भी हमारा काफी जोशीला था, तो पूरे टाइम हम चिल्लाते रहे, बाकी ग्रुप एक दो बार शांत हो भी गए थे, लेकिन हमारा ग्रुप एक बार भी शांत नहीं हुआ। अच्छा। और आपको ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस करते हुए एक चीज याद रखनी है कि इंडिविजुअल आप नहीं हो, आप पूरे ग्रुप में हो, तो ग्रुप की जितनी ज्यादा हेल्प हो सके करो, इंडिविजुअल का आपको मतलब ही नहीं है, पूरे ग्रुप को लेके चलो आगे, जो आपसे हो सके वो सब ग्रुप के लिए करो। जहाँ पर ग्रुप वर्ड होता है वहाँ उसके कुछ मायने होते हैं, ग्रुप को लेकर के चलना है आपको, ये ध्यान रखना है जो करते हो। आपको इंडिविजुअल भी आपको जो है मौका मिलेगा करने का, जब आप कमांड टास्क में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको इंडिविजुअली जो है आपको लीड करने का वहां पर मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं जीटीओ के एक और सेक्शन की, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की। क्या था ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में एक मैप दिखाया जाता है हमको, फिर उस मैप में कई सिचुएशंस होती हैं। क्या सिचुएशंस थी वहां पर बेटा? हमारे ग्रुप में हमारे उसमें सिचुएशन थी, पहला तो कि एक मंदिर है, मंदिर में एक बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है। अच्छा। दूसरा सिचुएशन, एक हॉस्पिटल से डॉक्टर आ रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया रोड पे ही। फिर एक सिचुएशन थी कि एक लेपर्ड है, लेपर्ड फॉरेस्ट में है और कुछ थीफ जा रहे हैं, वो थीफ तो नहीं स्मगलर्स जा रहे हैं, उन्हीं ने बॉम्ब प्लांट भी किया है टेंपल में और वो लोग जा रहे हैं वो लेपर्ड की स्किन लेने। और थर्ड था एक काउ गुम हो गई है एक वुमेन की, तो उसकी काउ ढूंढनी है। और हम लोग अपने स्कूल से जा रहे हैं गाँव की तरफ गाँव का सर्वे लेने के लिए। तो ये हमारी टोटल सिचुएशन थी। तो जब हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो डिस्कशन तो इसमें भी काफी वो होता है, ग्रुप थोड़ा फिश मार्केट बनता है, लेकिन ये है कि सेंसिबल बंदे आते हैं क्योंकि स्क्रीनिंग होके आ रहे हैं, तो एक बार फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आ रहे हैं, तो स्क्रीनिंग जितना फिश मार्केट नहीं बनता है, बट हाँ अच्छा खासा आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी आप बोल पाएंगे। उसमें आपको प्रायोरिटी वाइज सब कुछ डिसाइड करना होता है, फिर एज अ ग्रुप आपको एक ग्रुप सोल्यूशन लाना पड़ता है। क्या आपने प्रायोरिटी कैसे सेट करी थी? आपने प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया है उसको सबसे पहले हम बचाएंगे। राइट। फिर हम जाएंगे टेंपल क्योंकि उधर काफी मास है, तो उधर टेंपल से लोगों को इवैक्यूएट करेंगे। थर्डली हम लोग स्मगलर्स को पकड़ेंगे। फोर्थली वो जो वुमेन है उसकी काउ को बचा लेंगे। और फाइनल ग्रुप का जो विलेज का सर्वे करना था वो सर्वे कंप्लीट करके अपने स्कूल में आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी आ रही है, बच्चा जो एक प्राइमरी गोल था, प्राइमरी जो एम होता है जो विलेज सर्वे का, वो छोड़ देता है, बाकी सारे काम कंप्लीट करता। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो एंड अपना काम जो था उसे भी खत्म करना है, जो विलेज का जो सर्वे था वो भी हमें करना है वहां पर। जीटीओ खत्म हो जाता है, इंटरव्यू कितने मिनट चला आपका? इंटरव्यू मेरा 20 से 25 मिनट चला। 20 से 25 मिनट, किसने लिया था इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू सर हमारा डिप्टी प्रेसिडेंट सर ने लिया था। अच्छा ठीक है। इंटरव्यू के कुछ दो चार क्वेश्चंस ऐसे जो आप शेयर करना चाहते हैं जो आपको यूनिक लगता हो, क्योंकि इससे पहले भी आप दो बार एसएसबी दे चुके थे, दो बार आपने इंटरव्यू फेस किया था, इस बार के इंटरव्यू में क्या अलग था या कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आप यहाँ के बच्चों को बताना चाहते हैं? इंटरव्यू में मेन चीज इस बार तो ज्यादातर मेरा डिफेंस ओरिएंटेड इंटरव्यू चला, सर्विस इन्फॉर्मेशन वो चेक करना चाह रहे थे मेरे पास कितनी है। तो आप जिस सर्विस में जा रहे हैं उस सर्विस की आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें। जैसे मेरे से पूछा गया था आप तुम क्या ज्वाइन करोगे, तो मैं बता दिया मैं पैरा एसएस ज्वाइन करूंगा। फिर वो और डीप घुसने के लिए पूछे कैसे इसमें रिक्रूटमेंट होता है, कैसे क्या होता है। फिर जब मैं सब कुछ बता दिया फिर बोले ये तुम नहीं ज्वाइन कर पाओगे, फिर क्या ज्वाइन करोगे? फिर मैं बता दिया ग्रेनेडियर्स ज्वाइन करूंगा। फिर उसके बारे में पूछे वो कि उनके बताओ परमवीर चक्र अवार्डी कौन है ग्रेनेडियर्स के, तो वो बता दिया मैं। फिर जब फिर बोले कि ये भी ज्वाइन नहीं कर सकते, फिर कुछ और ज्वाइन करो, तो फिर मैं वापस बताता रहा क्योंकि सर्विस नॉलेज थी मेरे पास। तो आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर्विस की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये आपका मोटिवेशन दिखाता है आप कितने मोटिवेटेड हैं उस सर्विस में ज्वाइन करने के लिए। और पूरा इंटरव्यू आपका घूमेगा पीआईक्यू के ऊपर, जो आपको पीआईक्यू देते हैं उस पे पीआईक्यू में आपको अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी पड़ती है। उसमें आप जो लिख रहे हैं वो पूरा ए टू जेड आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो मेन चीज पूरा इंटरव्यू आपका उधर ही घूमेगा। पीआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पूरा पीआईक्यू बेस्ड इंटरव्यू होता है जो आप लिखते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस जो होते हैं वहीं से बनते हैं आपके इंटरव्यूज के दौरान। तो पीआईक्यूज भरते वक्त प्रॉपर ध्यान रखें और वही लिखें जो आप करते हो, जो आपके पास एक्चुअल हो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप गलत लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पर ब्लफ करोगे, पकड़ जाओगे, तो आपके लिए जो है निगेटिव मार्क्स देगा आपको वहाँ पर वो। यस। कॉन्फ्रेंस कितनी देर चली थी?
कॉन्फ्रेंस सर 30 सेकंड से 1 मिनट में हो गया था कॉन्फ्रेंस। 30 सेकंड से 1 मिनट, एक बात बता दूं मैं, 30 सेकंड और 1 मिनट के अंदर वालों का एक चीज क्लियर होता है, या तो ये पूरी तरीके से आउट है या तो ये पूरी तरीके से इन है। अगर वहां पर कोई डिस्कशन नहीं होता, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हुए होंगे, हाउ हैज द स्टे, एनी सजेशन लाइक, है ना, तो जब 1 मिनट से भी लगभग कम का समय था आपके पास कॉन्फ्रेंस में, क्या फील हुआ आपको वहां? पहले तो समय तो सर फील होने का टाइम ही नहीं मिला, जैसे ही चेस्ट नंबर आया अंदर गया, दो तीन क्वेश्चन पूछे रैपिड फायर, अपने आप को रेट करो, हाउ वाज योर स्टे, फ्री टाइम में क्या किए, बस खत्म, बाहर आया। फिर बाहर जब रिजल्ट का वेट कर रहे थे तब मैं बैठ के सोच रहा था, इतना अच्छा तो गया नहीं कि डायरेक्ट क्लियर कट रिकमेंडेशन है, तो फिर अंदर एक डर आ रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो रिजल्ट में आपका चेस्ट नंबर सबसे पहले बुलाया था बाद में, जो सर चेस्ट नंबर अनाउंस कर रहे थे सबसे पहले सर ने हमसे पूछा कि कितने रिकमेंड होंगे बताओ, ऐसा गेस करो कितने होंगे, तो हम सब तो पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव माइंडसेट बोलते सर रहते हैं, तो सब बोले सर 36 के 36 होंगे, तो फिर बोले नो लेट्स बी मोर प्रैक्टिकल, फिर बच्चे बोले सर डबल डिजिट होगा, फिर सर ने बोला सॉरी ओनली 2 ऑफ यू आर रिकमेंडेड, फिर एक चेस्ट नंबर 10 का नाम लिया और एक मेरा चेस्ट नंबर 36 का नाम लिया, मैं लास्ट था अपने ग्रुप में। अच्छा, तो फिर हम दोनों को तो खड़ा कर दिया, फिर क्लैपिंग हुई हमारे लिए, फिर बोले ओके ऑल ऑफ मी यू मे गो, फिर जैसे ही सब बच्चे उठे तो वो असर जो थे वो बोले रुको रुको अभी रुको थोड़ा और, छह बच्चों का नाम और ले लेता हूँ। अच्छा, फिर धीरे धीरे करके टोटल 8 बच्चे रिकमेंड हुए, 8 बच्चे रिकमेंड हुए, तो वो सस्पेंस काफी बना दिए थे अंत में, जब रिकमेंडेशन के दौरान ये बहुत करते हैं, वो सस्पेंस क्रिएट करते हैं और अच्छा भी लगता है उनके लिए भी जो सेलेक्ट होते हैं, थोड़ा सा बुरा भी लगता है जो वहां से जो है वापस जाते हैं, क्योंकि साथ में होते हैं 5 दिन, एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है वहां पर एसएसपी के दौरान। एक बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन जो हर लड़का फील करना चाहता है, जब चेस्ट नंबर 36 अनाउंस हुआ क्या लगा आपको, कैसा लगा, फील कैसा हुआ? फिर उस समय तो पूरा ब्लैंक ही थे, हमको पहले बोल दिया था अपना रोल नंबर और नाम बताना, रोल नंबर में पिछले पहले एसएसबी में कितनी बार लिख चुका हूँ पेपर में, लेकिन फिर भी जब खड़ा हुआ तो एक वो थोड़ा घबरा गया था, रोल नंबर बताते वक्त भी रोल नंबर बताया, फिर नाम लिया, फिर जब उधर बाहर जब बाहर काफी खड़ा हुआ तब जाके थोड़ी फीलिंग्स आना स्टार्ट हुई, फाइनली हो गया, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो तब जाके थोड़ा लगा हो गया, सब मेहनत जो किया था सब हो गया। यानी कि आपकी कितनी भी असफलताएं हों वो एक सफलता पे हमेशा भारी होती है, आप कितनी बार लाइफ में फेल हुए हैं उससे मतलब नहीं है, अगर आपका जो फेल्योर है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और अगर आप उसे सीखते हैं, क्योंकि वो सिखाएगा 100% और आप उसे सीख करके आगे निकलते हैं तो ही आप जो है आप सफल होते हैं और आप यहाँ पर आके बैठते हैं बेटा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और NDA 151 में सेलेक्ट होना वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट एज ऑफिसर तो है ही है, तो ये मानना है कि अगर मिली तो आप भीड़ से अलग हैं, और आपको भीड़ से अलग भगवान ने बनाया है, तो आपने यानी कि जो मेहनत करी होगी वो भीड़ से अलग होने वाली मेहनत जरूर करी होगी, तभी आपको ये जो है ये सम्मान मिला है। सम्मान की बात है यार, ठीक है, वर्दी पाना, ठीक है, फौज में अफसर बनना, ठीक है, और यार इवन वर्दी पाना ही सम्मान की बात है, अफसर बनना तो समझ लीजिए उससे भी बियॉन्ड द लिमिट हो जाता है, बहुत बड़ी चीज है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो आप फौज ज्वाइन कर लीजिए, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो पूरा चेंज होने वाला है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके एक सिलेक्शन के बाद से, ठीक है। और हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी 3 जनरेशन आपका अपने बेनिफिट उठाती है, एक तो आप खुद, ठीक है, एक आपके फ्यूचर जनरेशन यानी आपके आने वाले बच्चे, आपका परिवार और आपके मदर फादर, ठीक है, तो ये 3 जनरेशन आपसे जो है बेनिफिटेड हो सकते हैं अगर आप सेगमेंट होते हैं तो। और आपने मैं कहना चाहता हूँ आशीष कि आपने अपने जो पेरेंट्स को जो गिफ्ट दिया है, रिवर्ट गिफ्ट, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को रिवर्ट गिफ्ट दे सकता है NDA और CVS में सेलेक्ट होकर फाइनल रिकमेंड होकर के, ये गिफ्ट जो है वो इसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। आपके फादर से कभी पूछिएगा, आप तो नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है, कभी मिलेंगे, अब मुलाकात होगी हमारी उनके, तो पूछूंगा मैं कि क्या फीलिंग आ रही है बच्चे को लेकर के, कि इतने दिन की तपस्या होती है एक बच्चे को लेकर के, फ्रॉम बच्चा से लेकर के जो है 12 तक पढ़ाना, प्रिपेयर करना और उसके बाद सेलेक्ट होकर अफसर बनना, फादर JC ऑफिसर है और बच्चा जो है कमीशन ऑफिसर बनेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए भी और आपके फादर के लिए भी। उस यूनिट में, जिस यूनिट में फादर होंगे वहां पर उनकी रेपुटेशन ऐसी बात है वो इंक्रीज होने वाली है कि आपका बच्चा अफसर बन गया है, ये कई सारी चीजें आपके यहाँ पर चीजें चेंज होने वाली हैं ग्रेजुअली समय के साथ साथ। अभी ये सारी बातें होंगी आपकी जर्नी की, और अब हम बात करते हैं इन सारी जर्नी में पाथ फाइंडर डिफेंस एकेडमी का क्या रोल रहा। ये सर बिल्कुल सर, सर
पहले तो मैं रिटर्न से स्टार्ट करूंगा। मैं 148 का जब एनडीए 148 के लिए मैं स्टार्ट किया था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैंने एकेडमी ज्वाइन कर रखी थी और उसमें काफी अच्छे से काफी स्पेसिफिक, जैसे मैं बताया था जीएटी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो सर के एक्सपीरियंस और गाइडेंस की वजह से काफी कम चीज में पढ़ा, काफी स्पेसिफिक रहा और उसी के बेसिस पे मेरा रिटर्न क्वालिफाई होता रहा। और मैं रिटर्न क्वालिफाई में सबसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें काफी मेहनत किया था, उसी में काफी मॉक लिया हुआ, काफी मॉक लगाया, नोट सब पहले अटेम्प्ट के थे मेरे। बाकी आपके सारे अटेम्प्ट आप उन्हीं फर्स्ट अटेम्प्ट के नोट से ही पढ़ के आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एसएसबी के लिए, फर्स्ट टाइम मैं कॉन्फ्रेंस आउट, सेकंड टाइम था आल्सो कॉन्फ्रेंस आउट, थर्ड टाइम अभी मेजर जनरल सर आए इधर, तो सर ने इतनी प्रैक्टिस करा दी थी हमारी कि लास्ट में सर हमको खुद ही बोले कि अब काफी प्रैक्टिस हो गई, अब रिलैक्स करो और अभी मूड फ्रेश करो अपना बस, बाकी यू ऑल आर वेरी मच प्रिपेयर्ड, जस्ट गो फॉर द एसएसबी इन अ फ्री माइंड। हां जय सी बात है, एक लेवल पे आप पढ़ते पढ़ते सैचुरेट हो जाते हैं, फिर हमने एसएसबी का उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बचता, आपको ट्रेन कर दिया गया पूरी तरीके से और आप वहां पर जाके परफॉर्म करिए। अच्छा एसएसबी को लेकर के एक चीज हम जो कहते हैं कि आपकी जो एसएसबी की क्लासेस यहां पर दी जाती हैं वो सारी की सारी एक्सपोर्ट मेंबर्स द्वारा दी जाती हैं, क्या ये पूरी तरीके से सही है? कभी किसी सिविलियन ने आपको एसएसबी पढ़ाया? नो सर, कभी नहीं सर। कभी हमारी संस्था पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर एसएसबी की जो की सारी क्लासेस हैं फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट 22, ठीक है, ऑल द क्लासेस कंडक्टेड बाय एक्सपोर्ट मेंबर्स जो सिलेक्शन सेंटर में रहे होंगे, सिर्फ वही ऑफिसर आपको यहां पर एसएसबी की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी सिविलियन, ऐसा कोई भी हमारे पास नहीं जहां पर एसएसबी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से आप हमारे पास आए थे 11th 12th और एनडीए की पूरी जर्नी हमारे यहां पर आपने कवर करी है प्रॉपर तरीके से, वो शुरुआत से ही जो है आपके अंदर वो स्पार्क था, ठीक है, और जिसको लेकर के हम शुरू से आश्वस्त थे। हाँ, ये जो NDA 148, 149 और 151 पे पहुंचे हैं हम यहाँ पर आकर के, ये हम एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट पहले सोच रहे थे, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, दोस्त आए, सिलेक्ट होना इम्पोर्टेंट है, एक आध कोर्स आगे पीछे ये मैनेज किया जा सकता है लाइफ में, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप उसके लिए, लेकिन ओवरऑल ठीक है, मैं आपको एनडीए 151 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो आपका जो मेरिट है वो जल्दी से आए और आप ऑल इंडिया रैंक्स में आपका नाम आए, आपकी ट्रेनिंग सकुशल तरीके से प्रॉपर तरीके से कम्प्लीट हो बेटा और कम से कम जनरल रैंक से रिटायर हो, ये पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी की तरफ से जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, जय हिंद जय भारत।